हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। अगर आपका बजट 1 लाख से 1 लाख 10 हज़ार रुपये के आसपास में है और आप एक 125 सीसी का बाइक ढूंढ रहे हैं जो अच्छी माइलेज दे, अच्छा कंफर्ट आपको ऑफर करे, अच्छा फीचर्स और अच्छा पावर पिकअप आपको ऑफर करे, तो गाड़ी ज्ञान के आज के इस एपिसोड में होंडा SP 125 और TVS राइडर 125 को कंपेयर करेंगे। इन दोनों गाड़ियों में कौन सा गाड़ी आपके लिए सही है और किस वजह से, तो कंपेरिजन शुरू करते हैं इन दोनों के इंजन से। SP 125 में आपको 10.7 BHP की मैक्सिमम पावर और लगभग 10.9 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। वहीं पर राइडर 125 में 11.2 BHP की मैक्सिमम पावर और 11.2 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। पावर और टॉर्क फिगर स्लाइटली ज्यादा होने के बावजूद दोनों के जो पिकअप है वो आपको लगभग सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि राइडर 125 का जो वेट है वो 123 किलो है, जो कि लगभग 5 से 6 किलो ज्यादा भारी है SP 125 से। इसीलिए पावर टू वेट रेशियो के मामले में दोनों ही गाड़ियों का जो पिकअप है वो आपको लगभग सेम मिलेगा। लेकिन अगर इंजन कूलिंग सिस्टम की बात करें तो SP 125 में आपको एयर कूल्ड इंजन मिलता है, वहीं पर राइडर 125 में आपको एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। ऑयल कूल्ड इंजन होने के वजह से जो कूलिंग सिस्टम है वो ज्यादा बेहतर होता है राइडर 125 के साथ में। SP 125 में आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, वहीं पर TVS राइडर में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। 1 लीटर फ्यूल टैंक ज्यादा आपको मिलेगा SP 125 में। माइलेज के बारे में अगर बात करें तो माइलेज में भी 2 से 3 KMPL ज्यादा माइलेज आपको SP 125 में मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट वेट बाइक है। साथ साथ में इसका जो पीछे का टायर है वो थोड़ा पतला है राइडर के कंपैरिजन में, इसीलिए आपको माइलेज भी 2 से 4 KMPL ज्यादा मिलेगा। एक तो SP 125 का फ्यूल टैंक ज्यादा बड़ा है, साथ साथ में माइलेज भी आपको 4 से 5 KMPL ज्यादा मिलेगा, तो इसके लिए जो डिस्टेंस टू एम्प्टी है वो SP 125 में ज्यादा है। यानी कि एक बार पेट्रोल टैंक फुल करने में आप ज्यादा दूर तक सफर कर सकते हैं SP 125 में राइडर के कंपैरिजन में। दोनों के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो दोनों का ब्रेक्स आपको लगभग सेम लगने वाला है। दोनों में ही आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है। इन दोनों गाड़ियों के व्हील साइज में भी अंतर है। SP 125 में आपको 18 इंच के व्हील मिलेगा, वहीं पर राइडर 125 में आपको 17 इंच के व्हील मिलेगा। दोनों के सस्पेंशन में भी अंतर है। SP 125 में आपको डुअल सस्पेंशन मिलता है, हाइड्रोलिक टाइप नॉर्मल सस्पेंशन है। वहीं पर राइडर 125 में आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, जो काफी बेहतर परफॉर्म करता है SP 125 के सस्पेंशन से। दोनों के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में अगर बात करें तो SP 125 में आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं पर राइडर 125 में आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में भी राइडर 125 थोड़ा सा आगे निकल जाता है। सीट हाइट के बारे में अगर बात करें तो SP 125 का सीट हाइट है 790 mm, वहीं पर राइडर 125 का सीट हाइट है 780 mm। शॉर्ट राइडर के लिए राइडर 125 ज्यादा सूटेबल है। दोनों गाड़ियों के फीचर्स को अगर कंपेयर करें तो दोनों ही गाड़ी जो है वो फीचर्स में भरपूर है। दोनों ही गाड़ियों में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED हेडलैम्प जैसे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन राइडर 125 के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कुछ एड ऑन फीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स, राइडिंग मोड्स, डिजिटल टैकोमीटर, टॉप स्पीड रिकॉर्डर जैसी चीजें। दोनों ही गाड़ियों के लुक्स के बारे में अगर बात करें तो लुक्स एक सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 125 cc सेगमेंट में राइडर 125 से ज्यादा स्टाइलिश लुकिंग बाइक नहीं है। राइडर 125 का डुअल सीट स्पोर्टी लुक, फ्रंट का जो हेडलैम्प का डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। गाड़ी को अगर आप सामने से देखेंगे और आप स्पोर्टी लुक से ज्यादा प्यार करते हैं तो इस गाड़ी से आपको प्यार हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बाइक है राइडर 125 लुक के मामले में। लेकिन वहीं पर SP 125 का लुक भी बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। ये एक नॉर्मल कम्यूटर फैमिली लाइक बाइक जैसा लगता है देखने में। लुक्स के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपको कौन सा बाइक पसंद है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं लुक्स के मामले में। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए सूटेबल है और किस वजह से। सबसे पहले बात करते हैं SP 125 का। देखिए, अगर आप एक फैमिली पर्सन हैं और फैमिली को चढ़ाने के लिए बाइक खरीद रहे हैं तो मुझे लगता है SP 125 इज अ ग्रेट चॉइस, क्योंकि इस गाड़ी का जो सीट है वो चौड़ा है, सिंगल सीट है। आप अपनी बीवी बच्चों को दोनों को ही बिठा के गाड़ी में चल सकते हैं। बच्चे जो बीच में बैठेंगे वो भी कंफर्टेबल फील करेंगे SP 125 में। लेकिन वहीं पर राइडर 125 में डुअल सीट होने के वजह से बीच में अगर किसी बच्चों को आप बिठा देते हैं तो उसको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा। तो इसलिए अगर आप फैमिली पर्पस के लिए या फिर बीच में बच्चे को बिठाना चाहते हैं या फिर कभी कभार ट्रिपलिंग भी करते हैं तो इस सिचुएशन में आप SP 125 को परचेस कर सकते हैं। और दूसरा कारण, अगर आपको थोड़ा सा बजट इश्यू है तो आप इस स्थिति में भी SP 125 ले सकते हैं, क्योंकि SP 125 5 से 7 हज़ार रुपए सस्ती है राइडर 125 से। लेकिन वहीं पर अगर आपको ज्यादा बेहतर लुक्स चाहिए, ज्यादा स्पोर्टी डिजाइन चाहिए, साथ में थोड़ा बहुत ज्यादा फीचर्स चाहिए, तो इस स्थिति में आपको राइडर 125
की ओर जाना चाहिए। इसी तरह के कंपैरिजन के वीडियोस आगे देखने के लिए गाड़ी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।